प्रदेश में अवैध खनन को लेकर अलवर लंबे समय से बदनाम रहा है, जिसके बाद लगातार शिकायतें अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती रही हैं। ऐसे में रविवार को लगातार मिल रही इस तरह की शिकायतों के मद्देनजर अलवर पुलिस व खनिज विभाग की साझा कार्रवाई के तहत अलवर जिले के MIA स्थित के घेगोली के पहाड़ों में बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही अवैध खनन से जुड़े कार्यवाही में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित JCB मशीन की गई। कार्यवाही को अंजाम जहां अलवर SP तेजस्वी गौतम के निर्देशन में दिया गया, वहीं इस अवैध खनन से जुड़ी कार्यवाही को IPS विकास सागवान ने QRT के साथ मिलकर बखूबी अंजाम भी दिया। इस कार्यवाही के बाद दिन भर अवैध खनन से जुड़े लोगों में खासी दहशत देखी गई, जिसके चलते आमतौर पर नजर आने वाले अवैध खनन से जुड़े वाहनों का भी आवागमन शहर व जिले के मार्गों पर कम ही देखा गया। गौरतलब है कि अवैध खनन रोकथाम को लेकर अलवर का मामला हमेशा से लचीला देखा गया है, जिसके चलते अलवर जिले किशनगढ़ बास गढ़ी सवाईराम राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ जैसे इलाकों में अवैध खनन के ज्यादा से ज्यादा मामले मिलते रहे हैं। वहीं जिले के वन क्षेत्रों में अवैध खनन माफिया द्वारा ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध खनन के पत्थरों की सप्लाई का कार्य किया जाता रहा है। गौरतलब है वर्ष 2020-21 में अवैध खनन से जुड़े 164 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही पिछले 3 साल में अवैध रोकथाम से जुड़ी वन विभाग की टीम पर तकरीबन 15 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन इन सब हालातों के बाद भी खनिज विभाग व पुलिस के कई स्तरों में लचीलापन होने के चलते जिले में अवैध खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में रविवार को हुई इस बड़ी कार्रवाई को लेकर IPS विकास सागवान ने कुछ इस तरह जानकारी दी। देखिए, अलवर के MIA थाना क्षेत्र में घेगोली और गोलेटा गांव पड़ते हैं, जहां पे अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की शिकायत काफ़ी समय से मिल रही थी। इसी सूचना पे आज हमने QRD टीम के साथ जाके मौके पर अवैध जो पत्थरों से भर रही थी ट्रॉलियाँ और ट्रैक्टर और JCB मशीन, उनको जब्त किया है। मौके पर पहुँच के हमने माइनिंग विभाग के अधिकारियों को और MIA थाना की टीम को भी मौके पर बुलाया और वहाँ से करीब 23 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, एक JCB मशीन और एक कंप्रेशर मशीन हमने जब्त की है। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन काफ़ी पुराने समय से चले आ रहा है और अभी इसने काफ़ी तीव्रता पकड़ रखी थी और बार बार हमें सूचनाएं मिल रही थी जहां की इस तरह से अवैध खनन करके तस्करी की जा रही है और परिवहन करा जा रहा है। इसलिए फिर हमने अभी प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट किया है। सर, इसमें अभी कोई पकड़े गए हैं या कोई फरार हो गए क्या? हमने डेफिनेटली कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और बाकियों से भी पूछताछ की जा रही है। वाहन मालिकों का पता किया जा रहा है, उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाएगा 120B की।